हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं मशीन बिल्ड। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि जो हीरो प्लेजर स्कूटी है, इसके आप लोग सिलेंडर ब्लॉक एंड पिस्टन को कैसे क्लीनिंग करने के बाद इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले इंजन को इसके बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसके बॉडी पे जितने भी सारे स्क्रू है, इसके लिए सभी स्क्रू को हम लोग अनस्क्रू कर लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों, इस लेफ्ट साइड वाले कवर को खोलने के लिए भी इस स्क्रू को खोल लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, राइट साइड कवर को खोलने के लिए जो यहाँ स्क्रू है, इसको खोल लेंगे, ठीक है दोस्तों। और जो स्कूटी के जो टेल लैंप के नीचे स्क्रू है, इसको भी हम लोग खोल लेंगे, ताकि आप इसके राइट साइड कवर को खोल सके, ठीक है। दोस्तों, जो सारे स्क्रू एंड बोल्ट है जो इसके बॉडी कवर को इसके बॉडी के साथ जुड़े हुए रखा है, इन सभी स्क्रू को खोल लेंगे, ताकि इसके आप कवर को बॉडी कवर को रिमूव कर सकें, ठीक है। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, सारा बॉडी कवर खुल चुका है, ऊपर नीचे और बाएं दाएं का। अब दोस्तों, इसके इंजन को हम लोग निकालेंगे, जो आप यहाँ देख सकते हैं। तो दोस्तों, इंजन को निकालने से पहले जो इंजन के साथ जितना सारा वायरिंग है जुड़ा हुआ है, उन सारे वायरिंग को रिमूव कर लेंगे अच्छी तरीके से, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। दोस्तों, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बोलना चाहूँगा, जो आप यहाँ लाइनिंग देख सकते हैं, जो फ्यूल का लाइनिंग देख सकते हैं, जो लाइनिंग है जो कार्बोरेटर से निकला हुआ है, एक्चुअली स्कूटी में कोई भी ऑन ऑफ वाल्व नहीं होता, जैसे बाइक में होता है। तो जब हम लोग इसको लाइनिंग को खोलेंगे, तो फ्यूल वहाँ से बाहर आएगा। तो इसको रोकने के लिए हम लोग, जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं, कोई बोल्ट को इसके आगे में ब्लॉक करेंगे, ताकि फ्यूल बाहर नहीं आ सके, या पाइप को मोड़ के भी इसको क्लिप से ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, रियल व्हील के जो ब्रेक है, उसको भी हम लोग खोल लेंगे। कहीं ना कहीं जो रियल व्हील का जो ब्रेक का लाइनिंग है, बॉडी से जुड़े हुए रखता है, जिससे हम लोग को इंजन को निकालने में दिक्कत आएगी। और जिसका इंजन है, व्हील के साथ अटैच रहता है, जो CVT के साथ पूरा अटैचमेंट रहता है पूरा इंजन, तो ये सारा व्हील के साथ ही पूरा इंजन बाहर आएगा, ठीक है। दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो इसका हेड है, जो सारा वाल्व का अरेंजमेंट है, ऊपर वाला जो वाल्व है ये इनलेट है, और नीचे वाला एग्जॉस्ट, आप देख सकते हैं यहाँ EB लिखा हुआ है। तो दोस्तों, मैं इसे आपको घुमा के दिखाऊंगा कि जब एग्जॉस्ट और इनलेट वाल्व अप एंड डाउन होते हैं, तो कैसे दिखते हैं। आप देख सकते हैं, अभी इनलेट वाल्व खुला और अभी एग्जॉस्ट वाल्व बंद हुआ, फिर खुला, फिर बंद हुआ। तो दोस्तों, यह इंजन 4-स्ट्रोक इंजन है, जो अपने क्रैंकशाफ्ट के कंप्लीट 2 रोटेशन पे 4-स्ट्रोक मैंने 4 बार पिस्टन अप एंड डाउन होता है। तो ये सारा अरेंजमेंट जो है वाल्व का और इसके टाइमिंग चेन का, इस तरह से काम करता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये रहा वाल्व का सारा अरेंज वाला पार्ट विथ रोकर आर्म, जो कैमशाफ्ट को कैरी किए हुए हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं, 2 वाल्व है, जहाँ ऊपर में स्प्रिंग लगा हुआ, ठीक है। दोस्तों, यहाँ हम लोग इंजन के सिलेंडर हेड को खोलेंगे और सिलेंडर को भी खोलेंगे, उसके बाद पिस्टन को निकालने के बाद उसको साफ करेंगे और बाकी पार्ट्स को साफ करके वापस लगाएंगे। तो इसके लिए हम लोग को यहाँ दोस्तों इंजन ऑयल को निकालना होगा, ताकि जब हम लोग इंजन को खोले, इंजन ऑयल इधर उधर स्प्रेड ना हो, वापस इंजन को असेंबल करने के बाद इस इंजन ऑयल को उसमें यूज़ कर सकें, ठीक है।
साइलेंसर है, इसे भी हम लोग खोल के निकाल लेंगे ताकि आप सिलेंडर हेड को आसानी से खोल सके, क्योंकि ये सिलेंडर हेड के साथ अटैच रहता है। ठीक है, अब दोस्तों जो सिलेंडर हेड है उसको बहुत ही सावधानी से स्लोली स्लोली निकालना है, जो टाइमिंग चेन है और जो उसका स्पॉकेट है वो गिर नहीं जाए। ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए इसको निकालना है। तो दोस्तों आप जो अभी व्यू देख रहे हैं, आप देख सकते हैं विदाउट सिलेंडर हेड पिस्टन अंदर में कैसे अप एंड डाउन करता है। तो दोस्तों जो अभी आप देख सकते हैं यह है टाइमिंग चेन का चेन टेंशनर, इसको भी हम लोग रिमूव कर लेंगे। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग सिलेंडर के ब्लॉक को भी बहुत ही सावधानी से स्लोली स्लोली बाहर निकाल लेंगे और ध्यान रखेंगे जो टाइमिंग चेन है अंदर में ही चला जाए। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं पिस्टन काफ़ी गंदा है, इसको हम लोग क्लीनिंग करेंगे और जो इंजन के जितने सारे पार्ट्स को हम लोगों ने रिमूव किया उन सारी चीज़ों को भी हम लोग क्लीनिंग करेंगे और इस पिस्टन के पिस्टन रिंग को भी हम लोग चेंज करेंगे, आफ्टर ऑल हम लोग इसको रीअसेंबल करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता अगर मैं इसे एक ही पार्ट में बनाता, इसलिए मैंने इसे दो पार्ट में बनाया। दोस्तों ये इसका पहला पार्ट है और सेकेंड पार्ट को मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। और दोस्तों जब मैं इसके सेकंड पार्ट वाले वीडियो को अपलोड करूंगा तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाएँ ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ या इससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आप तक वो आसानी से पहुँचे और उसे आसानी से देख सकें। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ।